दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी कला के लिए उनके मरने के बाद भी याद किया जाता है। उन्हीं में से एक मशहूर कलाकार श्री लियोनार्डो दा विंची हैं। इटली के राजशाही के दौरान लियोनार्डो दा विंची एक मशहूर साइंटिस्ट और खोजकर्ता के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, आज हम लियोनार्डो की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में बात करेंगे और आप वीडियो के लास्ट तक मोनालिसा से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर वन, अगर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग के बारे में बात करें तो वो है मोनालिसा पेंटिंग। ऐसा माना जाता है मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी स्माइल बदलती है, और वहीं कई लोग का मानना है कि इस पेंटिंग में कई सारे राज दफन हैं। फैक्ट नंबर टू, मोनालिसा पेंटिंग को किसी भी कागज पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है जो आज के टाइम पर स्केटबोर्ड बनाने के काम आती है। फैक्ट नंबर थ्री, लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना स्टार्ट किया था और 1517 तक इस पर वर्क किया। इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें सबसे ज्यादा वक्त मोनालिसा की होंठ बनाने में लगा था, लगभग 12 साल से भी ज्यादा का वक्त। फैक्ट नंबर फोर, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है। कुछ लोग इसे मोनालिसा बोलते हैं तो कुछ लोग इसे मोनालिसा बोलते हैं। इटली में मोनालिसा का मतलब होता है माई लेडी। फैक्ट नंबर फाइव, दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे सुफू मोहो कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए किसी भी आउटलाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसी टेक्निक की वजह से इस पेंटिंग में ब्रश के निशान देख पाना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर सिक्स, बात तो सही है ये पेंटिंग बहुत मशहूर है, बट इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लोरे म्यूजियम से चुरा लिया गया। फैक्ट नंबर सेवन, मोनालिसा पेंटिंग को रखने के लिए लोरे म्यूजियम में एक खास कमरा बनवाया गया है, और इस कमरे को बनवाने के लिए म्यूजियम ने लगभग 50 करोड़ तक का खर्च किया है, और वहीं इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास में सुरक्षित रखा गया है। फैक्ट नंबर एट, 14 दिसंबर 1962 में मोनालिसा 100 मिलियन डॉलर की थी, इट मींस 680 करोड़ रुपीज़, पर आज के टाइम पर यह पेंटिंग 790 मिलियन डॉलर की है, इट मींस 5380 करोड़ रुपीज़। फैक्ट नंबर नाइन, 2004 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम पास्कल कॉटी था, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रोलाइट टेक्नोलॉजी की हाई डेंसिटी और मल्टीलेंस कैमरा की हेल्प से कुछ रिसर्च की, जिससे पता चला कि जो पेन दा विंची ने यूज़ किया उसका डाया 40 mm था, यानी कि एक बाल से भी ज़्यादा पतला। फैक्ट नंबर 10, बताया जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग में तीन लेयर मौजूद हैं, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर और भी पेंटिंग छुपी हुई हैं, बट मेन चीज़ ये है ये पेंटिंग लीजा कुंडो की शक्ल से बहुत मिलती जुलती है। मोनालिसा पेंटिंग के अंदर कुछ हिडन मैसेज भी है जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला। अगर उन शब्दों को क्रोमोनोलॉजिकली लिखें तो वो शब्द और ये जो शब्द हैं वो इटालियन भाषा में लिखे गए हैं, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हेयर। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा इस पेंटिंग का साइज काफ़ी बड़ा है, बट जितना आपको लगता है इस पेंटिंग का साइज उतना ही छोटा है। इसका साइज 30x21 inches है और इसका वेट 8 kg है। फैक्ट नंबर 13, जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तो ये पाओगे कि मोनालिसा की पेंटिंग में उसकी आईब्रोज और आईलेसेस नहीं दिखती हैं, बट सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में आईलेसेस और आईब्रोज क्यों नहीं बनाए। वेल, 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कॉर्टे ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलेसेस बनाए थे, बट टाइम के साथ साथ आईब्रोज और आईलेसेस गायब हो गए, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। फैक्ट नंबर 14, दा विंची ने जब पेंटिंग को बनाना शुरू किया था तब वो 51 साल के थे। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों अगर आप पेरिस के लूरे म्यूजियम में जाते हैं मोनालिसा पेंटिंग के रूम में जाने के बाद, जहाँ पे ये पेंटिंग रखी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग नज़र आएगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फेस्ट एट काना। इसे इटली के ही एक पेंटर पोलो वेरोनीस ने 1563 में ही बनाया था। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने आपको काफ़ी लोग नजर आएंगे और वहीं इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम सच्चे आर्ट लवर हैं तो हमारे पास वो आँखें होनी चाहिए जो एक आर्टिस्ट की कला को परख सके, उसे देख सके। जस्ट किसी एक ही चीज़ को वैल्यू देना कि वो बहुत फेमस है या उसे बनाने वाला कोई बड़ा इंसान था, और दूसरे के काम को सिर्फ इसलिए भूल जाना क्योंकि वो इतना फेमस नहीं है या उसे बनाने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था, ये तो सही नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही कि मोनालिसा एक अच्छी पेंटिंग नहीं है या उससे अच्छी अच्छी पेंटिंग मौजूद हैं, नहीं, बेशक मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट वर्क में से एक है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दूसरों के काम को भी सराहना चाहिए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की हो, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जिससे आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे। पेरिस का लोरे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मोनालिसा की पेंटिंग को देखने आते हैं और उसके सामने से सेल्फी लेकर चले जाते हैं।
थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।